हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उबर कैब कंपनी को लेकर के। दोस्तों, उबर कैब कंपनी ऑल इंडिया की जितनी भी कैब एग्रीगेटर कंपनी है सबका टोटल, मतलब इंडिया का जो भी बिजनेस है कैब का वो सारा का सारा तोड़ मरोड़ के रख दिया है। अब इतना कम फेयर देने लग गई है, चाहे आदमी ड्राइवर को कुछ मिलने वाला हो या ना मिलने वाला हो, कुछ बचे या ना बचे, फ़ायदा किसका है नुकसान किसका है। आज की बुकिंग है तो इतना कम फेयर मुझे क्यों दिया, वो सारा कुछ विद प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आप सब जानते हैं मार्केट के अंदर जो भी काम हो रहा है ना, वो बिज़नेस पूरा का पूरा ड्रॉप हो चुका है। आप में से काफ़ी सारे भाई ओला उबर में कैब चलाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान बना रहे हैं कि हम मुझे भी काम करना है, कितना अर्निंग होता है कितना नहीं होता है, इन सारी चीज़ों को देख लेना चाहिए और इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि अगर हम ओला उबर के डिपेंड के ऊपर आ रहे हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा और कितनी अर्निंग होगी। और इस टाइम जो काम चल रहा है ना, वो होश उड़ा देने वाला है, होश माइंड अपसेट हो जाता है। मेरे को 15 दिन हो गए, करीब 15 डे हो गए, मेरी सिटी के अंदर काम बिल्कुल जीरो है, जीरो, टोटल जीरो ड्रॉप हो चुका है। और इस ड्रॉपिंग का जितना भी काम ड्रॉप हो गया है उसका फेयर भी आपको दिखाऊंगा। अगर आपके पास ऐसा टाइप का बुकिंग आता है तो आप इस फेयर के अंदर कितना पैसा बचा लेंगे और आप क्या करेंगे, वो सारा कुछ आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट के साथ। दोस्तों, पिछली वाली मैंने 2 दिन पहले जो एक कॉन्टेंट अपलोड किया था उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था ओला और उबर का मेरी सिटी के अंदर जीरो कमीशन। उसके बाद कुछ टाइम तक चला, वो घंटे 2 घंटे के बाद वो फिर वापस से ड्रॉप हो गया, उसमें कमीशन चालू हो गया। और वो भी थी किसी की बुकिंग के ऊपर जो मेरे पास आई थी और एक दोस्त के और भी किसी के पास आई होगी वो चीज़ को लेकर के। अब 2 दिन के बाद आप फिर देखोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। भाई, मैं आज की बुकिंग मैंने कंप्लीट की तो उसके अंदर मुझे फेयर जो मिला, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 25.8 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, 25.8 मतलब 26 किलोमीटर आप ट्रैवलिंग समझ लो, पिकअप करके ड्रॉपिंग तक का, और जो मैं पिकअप करने गया वो फ्री ऑफ कॉस्ट समझ लीजिए। तो 25.8 और 26 किलोमीटर समझ लीजिए टोटल, तो जो फेयर मुझे दिया है ना ऊपर आप देख सकते हैं 384 रुपये का, 384 यानी कि 384-85 रुपये का मुझे फेयर दिया है। अब आप यहाँ पर डिसाइड कर लो, ये 384-85 रुपये के अंदर आपकी प्रॉफिट कितनी होगी, फ्यूल इकोनॉमी को अगर काउंट करते हैं 26 किलोमीटर की, 26 जाना 26 वापस आना, वहाँ से तो कोई बुकिंग लगा नहीं खाली आया, तो समझ लो 52 किलोमीटर गाड़ी चलाया और 384 रुपये मुझे मिला। अगर 52 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद अगर 384 रुपये का आपका फेयर आएगा तो आप अब यहाँ पर आपको डिसाइड ये करना है कि हमारी जो मेरे पास जो गाड़ी है वो डीजल है, अब जो डीजल का प्राइस है ना उसको माइनस करके आप कैलकुलेशन करो कि मुझे इस पैसे में मुझे कितना मिला, और कमेंट करके मुझे बताना, और फिर आप मुझे डिसाइड करके बताना ओला उबर में काम करते तो किस तरीके से करेंगे और कितना पैसा मिलेगा। अगर इस टाइप से काम चलेगा ना तो मुझे लगता है 2 दिन काम करोगे ना तब जाके आपकी अर्निंग 400-500 रुपये निकलेगी, अगर इस टाइप का बुकिंग आएगा तो। इतनी ख़राब हालत, तो इस हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोस्तों कोई भी कैब एग्रीगेटर कंपनी इतना कम फेयर क्यों दे रही है, कम फेयर देने की वजह क्या है। बिजनेस ड्रॉप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी बुकिंग आ रही है उसको कम फेयर में ले लो और जो भी ड्राइवर चला रहा है उसको कम फेयर दो, तो उसमें अच्छा अगर आप काम नहीं कर रहे हैं बैठे हैं तो आपका कम से कम गाड़ी नहीं टूटेगा, आप नहीं टूटोगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इस टाइप की बुकिंग करने से। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताओ, अगर इस टाइप का बिज़नेस होगा और आप अगर कैब एग्रीगेटर कंपनी में आ रहे हैं काम करने के लिए आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि मुझे भी काम करना है, आप सब बोलते हो ना काशिप भाई 14-15 घंटे काम करेंगे, तो भाई इस टाइप का बुकिंग आएगा आप 14-15 घंटे काम करोगे आपके हाथ में क्या आने वाला है वो चीज़ सोचो। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर के काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग के अंदर मैंने वीडियो के अंदर आपको यही चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड होकर अगर 10 लाख की गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो क्यों, किस लिए, क्या सोचकर, उन सारी चीज़ों के सवाल आपके अपने होंगे और इन सवालों के जवाब आपको खुद ढूंढने होंगे, तब आपको इन चीज़ों के बारे में समझ में आएगा कि कैसे होता है। दूसरी एक यहाँ पर चीज़ लूँगा, आप मुझे कमेंट करके आसिफ भाई जो लोग बोलते हैं 2-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार 5 हज़ार का जो बिज़नेस होता है वो कैसे होता है। दोस्तों,
होता है क्या नहीं होता है, वो आपको क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ आपको डिसाइड कर दूँ, आप एक नए फ्रेशर ड्राइवर हैं, आपको कुछ नहीं मालूम, अगर एक गाड़ी पे दो ड्राइवर कर रहे हैं काम और उसका आपको दो ड्राइवर का रहा एक दिन का एक नाइट का, उसका ऑपरेटर बिल आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दिया, तो क्या आपको अंदाज़ा मालूम पड़ेगा क्या ये सही है क्या गलत है, क्या एक वन डे ड्राइवर का है क्या नाइट ड्राइवर का प्लस है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझो, दिखाने वाले क्या दिखाते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए, जो फेयर मुझे मिला मैंने आपको दिखाया, किलोमीटर रेंज, ना नाइट का ड्राइवर ना ही दिन का ड्राइवर, एक ही फेयर है, एक ही बुकिंग है। अब आप खुद डिसाइड कर लो यहाँ पे क्या सच्चाई है और वहाँ पे क्या झूठ होती है। तो चलो आज का ब्लॉग इतना ही था, आप सारा कुछ समझ गए होगे बिजनेस कैसा है कैसा होता है, कभी खुशी कभी गम। अब इस टाइप पर चलेगा, फिर देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, फिर आपको बताएंगे एक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।